तो गाइस फिर से स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और जैसे कि आप सभी का बहुत सारा डिमांड था कि भाई वेडिंग सीजन आ चुका है तो भाई कुर्ता वगैरह पे एक वीडियो बनाओ, तो फाइनली आज हमारे पास आ चुका है ये मान्यवर का फ्रेश अराइवल कलेक्शन, फ्रेश अराइवल स्टॉक। तो मेक श्योर अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि हल्दी के लिए आपको कौन सा कुर्ता परचेस करना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास तीन कलर ऑप्शन, मतलब तीन वैरायटी, तीन आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी ये प्लेन सॉलिड कुर्ता, जिसकी फैब्रिक गाइस आपको सिल्क रेयन टाइप की फैब्रिक यहाँ पे प्रोवाइड करती है। वैसे कॉटन से भी ये ज़्यादा सॉफ्ट आपको देखने को मिल जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फील देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करें तो आपको ऑल ओवर में ये प्लेन देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर आप देखो तो कॉलर के पास और बटन्स के पास यहाँ पे प्रॉपर डिटेलिंग की गई है, प्रॉपर प्रिंटिंग की गई है और प्रॉपर थ्रेड से वर्क किया गया है, जिससे लुक कितना ज़्यादा शानदार आ रहा है। एक प्लेन सॉलिड कुर्ते को एक बहुत ही अलग सा लुक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके लिए गाइस इसकी बात कर लें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाएगी 3,499 रुपये। साथ में अगर हम बात करें तो स्लीव पे भी गाइस, स्लीव पे भी आपको सेम उसी टाइप के यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह, फैब्रिक वगैरह स्टिच किया गया है, जिससे लुक वगैरह काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है। साथ में बात करें तो इसके साथ गाइस आपको पैजामा भी देखने को मिल जाता है, जिसमें गाइस आपको दो टाइप के पैजामे देखने को मिल जाते हैं। एक आपको अलीगढ़ जो कि थोड़ा सा नीचे से जो है वो ज़्यादा रेगुलर फिट होता है, और एक आपको देखने को मिल जाता है चूड़ीदार जो कि आपको स्किनी होता है गाइस। और अगर हम एक बार पीस को ओपन कर ले तो आपको सारा भी सब सारा पीस आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। दोनों साइड आपको पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, पॉकेट्स की डेप्थ काफ़ी अच्छा ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलता है। हाइट की बात करें तो हाइट थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी, बट हाइट थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में गाइस शॉर्ट का ही ज़्यादा डिमांड चल रहा है। बाकी आप पीस चेक करो, पीस आपको कुछ इस टाइप से प्लेन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पीस का बात करें तो नेक्स्ट पीस आपको देखने को मिल जाते हैं ये प्रिंटेड में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है। इसका जो फैब्रिक है उसी टाइप से मिलता जुलता फैब्रिक है, बट इसके ऊपर गाइस प्रॉपर प्रिंटिंग की गई है और गोल्डन कलर से यहाँ पे स्टिचिंग किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा एक अलग टाइप का लुक प्रोवाइड कर रहा है, वेडिंग सीजन वाला प्रॉपर वाइब दे रहा है। साथ में इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी 3,999। साथ में अंदर में आपको मान्यवर का लोगो साइज मेंशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और कैसे वॉश करना है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन देखने को मिल जाता है। ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल रहता नहीं है गाइस। साथ में यहाँ पे भी आपको सेम यहाँ पे आपको साइड साइड से यहाँ पे आपको डिटेलिंग की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है। साथ में अंदर से आप देख सकते हो, अंदर में आपको बटन देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर से कवरिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ देखने को मिल जाती है गाइस। और पीस आप एक बार चेक करो कितना ज़्यादा लाजवाब सा पीस आपको देखने को मिल जाता है। साथ में इसके साइड आपको जो है वो हल्का सा आपको क्रीम कलर में यहाँ पे पजामा देखने को मिल जाता है गाइस। नेक्स्ट पीस का बात करें तो नेक्स्ट पीस आपको प्रॉपर येलो कलर देखने को मिल जाता है। वैसे अगर आप दूर से देखो ना इसे तो ये आपको प्रॉपर प्लेन देखने को मिलेगा, बट अगर आप नज़दीक से देखो तो इसके ऊपर गाइस चेक्स के भी पैटर्न बने हुए हैं, साथ में यहाँ पे आपको प्रिंटिंग भी की गई है, जिससे लुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रहे हैं। साथ में इसकी जो फैब्रिक क्वालिटी है वो 100% कॉटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सेम आपको कॉलर और बटन के ऊपर से यहाँ पे आपको डिटेलिंग की गई है प्रॉपर थ्रेड से। बाकी इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हो 2,999 यहाँ पे आपको इसकी प्राइसिंग देखने को मिलती है, और पीस बहुत ही ज़्यादा लाजवाब देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ आपको वाइट पजामा देखने को मिल जाता है गाइस। नेक्स्ट पीस का बात करें तो नेक्स्ट पीस आपको हल्का सा क्रीम टाइप के कलर में देखने को मिल जाता है, क्रीम या फिर बोलो या बीच कलर बोलो। ये भी पीस बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि इसका जो कलर और इसके ऊपर जो प्रिंटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। प्योर वेडिंग सीजन के लिए ये कुर्ता आपको देखने को मिल जाता है, पहनने के बाद लुक बहुत ही ज़्यादा कमाल का आता है। बाकी यहाँ पे आपको स्टोन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहे हैं। साथ में यहाँ पे आपको ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो शाइनिंग गोल्डन टाइप से, ये प्रॉपर थ्रेड से किया गया, ये ऊपर से स्टोन वगैरह कुछ भी नहीं, ये थ्रेड से वर्क किया गया। अगर आप वियर करो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। एक बार हम अंदर का फैब्रिक भी आपको इसका दिखा देते हैं। ये देख लो गाइस, प्रॉपर यहाँ पे थ्रेड्स का यूज़ किया गया, थ्रेड से प्रॉपर बनाया गया है, जो कि समझ सकते हो कितना ज़्यादा मेहनत लगता है और कितना कमाल से, कितना फिनिशिंग के साथ ये पूरा का पूरा ये कुर्ता बनाया है मान्यवर ने। और मुझे नहीं लगता कि इनसे आगे कोई कुर्ता में आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो क्वालिटी है वो दूसरे ब्रांड्स की बस का चीज़ ही नहीं है भाई, और इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे एक्टर्स को हायर किए हुए। इसकी प्राइसिंग आपको 3,999 देखने को मिल जाती है। इसी में गाइज आपको एक और कलर यहाँ पे देखने को मिलता है, इसी का लाइट कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। प्रिंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, बट आपको पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको स्टोन से प्रॉपर यहाँ पे डिटेलिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रॉपर आपको प्रॉपर स्टोन से यहाँ पे डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट पीस का बात करें तो नेक्स्ट पीस आपको देखने को मिल जाएगा ये मरून कलर में, और मरून कलर का तो क्या ही कहना है, क्योंकि मरून कलर तो सब पे ही अच्छा लगता है। इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी 2,999, और इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मरून कलर गाइस सारे स्किन टोन पे अच्छा लगता है। इसी में गाइस आपको एक और प्योर कॉटन में देखने को मिल जाता है ये रेड कलर। बाकी से अगर आप दूर से देखो तो ये आपको प्रॉपर प्लेन दिख रहा होगा, बट नज़दीक से देखो तो ये इसमें आपको गाइस ऑल ओवर में प्रिंटिंग की गई।
इसकी प्राइस में आपको 2999 देखने मिलती है। 100% ये कॉटन का फैब्रिक आपको देखने को मिल जाता है, और ये भी जो प्रिंटिंग की है प्रॉपर थ्रेड से वर्क किया गया है, जो कि बहुत ही शानदार है। सेम आपको कॉलर ये सब के पास भी आपको डिटेलिंग्स देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट पीस आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही सिंपल बेसिक सा, जो कि आपको दूर से जो है वो थोड़ा सा आपको प्लेन टाइप का दिखेगा। बेसिकली ये कोरल कलर आपको देखने को मिल जाता है, पीच कलर भी आप इसे बोल सकते हो, बट यहाँ पे आपको एकदम सिंपल सा यहाँ पे कॉलर के पास लुक दिया गया। कोई भी एक्स्ट्रा डिटेलिंग यहाँ पे ऐड नहीं किया, एक्स्ट्रा थ्रेड से वर्क नहीं किया गया। यहाँ पे आपको सिंपल सा यहाँ पे जो प्रिंटिंग है वही सेम आपको कॉलर के पास दिखने मिलते हैं, बट इसके मैचिंग्स बटन्स कितने ज़्यादा शानदार लग रहे हैं यहाँ पे आप चेक करो, कितना ज़्यादा कमाल का ये पीस है। ऑल ओवर में आपको ये प्रिंटिंग देखने मिल जाती है, और ये पीस बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सिंपल पीस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही कमाल का। इसके साथ गाइस आपको क्रीम टाइप का पजामा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पीस का बात करें तो नेक्स्ट पीस मुझे ये पीस मुझे सबसे ज़्यादा शानदार लगा, क्योंकि इसके ऊपर का जो प्रिंट किया गया है ना वो असलियत में लग रहा है कि गाइस 3D टाइप का टेक्सचर प्रोवाइड किया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अगर आप फील करोगे तो आपको पता चलेगा। साथ में इसके ऊपर भी प्रॉपर डिटेलिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। इसकी प्राइसिंग भी गाइस काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाएगी, 2999 इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाती है, और ये आपको पिंक कलर में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। और नेक्स्ट पीस का बात करें, नेक्स्ट पीस आपको देखने को मिल जाएगा ये ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर के बारे में क्या ही कहने। बेसिकली ये आप इसे चिकनकारी या फिर सीक्वेंस टाइप में भी बोल सकते हो, बट इसमें आपको मिरर वर्क का कोई भी यूज़ नहीं किया है, बट इसके ऊपर का जो बनाया गया है चिकनकारी किया गया वो बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिल जाते हैं। थ्रेड से प्रॉपर आपको कॉलर के पास डिटेलिंग किया गया, यहाँ पे आपको बटन्स के ऊपर डिटेलिंग किया गया, जो कि नेक्स्ट लेवल लग रहा है। बाकी ब्लैक में ये पीस मुझे नहीं लगता बहुत ही ज़्यादा दिन बचने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा डिमांड, ब्लैक जैसे ही आता वो ख़त्म ही हो जाता है ऑलमोस्ट। इसकी प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगी 3999, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल जाएगी। और ये प्योर कॉटन के ऊपर का इस टाइप का वर्क किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। नेक्स्ट पीस का बात करें तो नेक्स्ट पीस आपको देखने को मिल जाएगा एकदम प्लेन बेसिक सा पीस, जो कि आपको नेवी ब्लू में हल्का सा यहाँ पे आपको ऑल ओवर में प्रिंटिंग की गई है, यहाँ पे आप जिसकी देख सकते हो। इसकी प्राइस में आपको 2999 है, बहुत ही ज़्यादा ये बेसिक सा पीस आपको ये देखने को मिलता है, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा सिंपल पहनना है वो प्लेन से हट के ये पीस आप परचेस कर सकते हो गाइस। नेक्स्ट पीस देखने को मिल जाएगा आपको ये ग्रीन कलर में, जो कि बॉटल ग्रीन में है, साथ में इसके ऊपर तो प्रिंटिंग की गई है, साथ में अगर आप देखो तो यहाँ पे भी साइड साइड से आपको प्रॉपर डिटेलिंग की गई है, साथ में इसके ऊपर से आपको स्टोन का प्रॉपर वर्क देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइसिंग में आपको 3999 देखने को मिल जाती है। सबके आर्टिकल्स नंबर गाइस आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर सकते हो, नियर बाय स्टोर में जाकर परचेस कर सकते हो। इसके साथ गाइस आपको फॉन कलर का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पजामा, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है। नेक्स्ट पीस आपको देखने को मिल जाएगा ये नेवी ब्लू और पर्पल के बीच का कलर है। इसके अगर आप देखो तो ये आपको बेस जो है वो ब्लू कलर देखने को मिल जाता है, बट ऊपर से हल्का सा पर्पल टाइप में यहाँ पे प्रिंटिंग की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रही है। वैसे ये पीस ही बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसकी प्राइसिंग आपको सेम 3999 देखने को मिल जाती है, और ये भी आपको सेम कॉलर में ऑल ओवर में आपको ये वर्किंग वगैरह देखने को मिल जाता है। बाकी यही था गाइस कुछ आज के वीडियो, होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा पीछे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी कमेंट करिएगा। तब तक जय हिंद जय भारत।